उत्तम आदर दर्पण जी ने इस पर अपने को चर्चा करनी है। जितनी भी चीजें अपन पढ़ रहे हैं ये सब अपने रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। क्या क्योंकि अपन रोज यही कर रहे हैं, रोज मान माया दो और इनका अभाव करना ही हमें परम इष्ट है, किसे इष्ट न होगा। जो भी कोई सामान्य अपना हित चाहने वाला होगा उसे इनका अभाव करना इष्ट ही होगा। अभी क्या है ये उत्तम आर्जव, आर्जव या आर्जव के लोगों को समझे आर्जव क्या है। ये जो आर्जव शब्द है ये कैसे बना है, कैसे बना ये, जैसे मृदुता से मार्दव बना है ऐसे ही ऋजुता से आर्जव। ऋजु मतलब सीधा सरल स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या शास्त्रों में विग्रह गति आती है उसमें एक आती है ऋजु गति और एक होती है विग्रह गति। ऋजु गति माने स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी गति, जो सीधा ऊपर जाता है वो ऋजु गति होती है। जब सिद्ध भगवान बनता है कोई जीव तो वो सीधे जहां होते हैं उससे ठीक ऊपर जाके विराजमान हो जाते हैं और इसीलिए हम सिद्ध क्षेत्रों में जाते हैं क्योंकि जिस स्थान पे हम खड़े हैं उसके ठीक ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान है, हम इतने निकट उनके पास आ गए। ऋजु मतलब जो सीधी चीज है वो ऋजु है और विग्रह टेढ़ी मेढ़ी चीजें विग्रह है। टेढ़ापना वो विग्रह है, सीधापना वो ऋजु है। तो सीधे पने का जो भाव है वो आर्जव है और सीधे पने का उल्टा उल्टा क्या है, टेढ़ापना। तो टेढ़ापना क्या है, ये जो मायाचारी है छल कपट है इसी का नाम टेढ़ापन है। लोग कहते हैं बहुत टेढ़ा है इससे सावधान रहना, बोलेगा कुछ और ही करेगा कुछ और ही और दिमाग में कुछ और ही चलता रहेगा। क्या इसकी कुटिल वृत्तियों को कोई भी जान सकता, बड़ा टेढ़ा होता है सीधा नहीं। सीधे बने का नाम आर्जव है, टेढ़े बने का नाम माया कशा है। माया को दूसरे शब्दों में कहते हैं छल कपट कुटिलता। दूसरी एक बात और है कि टेढ़े मेढ़े व्यक्ति के हृदय में जिन्हें भगवान का कहा हुआ सरल सीधा धर्म समझ में आना मुश्किल है। जिस प्रकार की टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार का प्रवेश पाना मुश्किल है उसी प्रकार ये भगवान जिनेंद्र का कहा हुआ धर्म एकदम सरल सीधा सपाट है। क्या कोई समझ पाए नहीं समझ पाए ये उसकी भूल हो सकती है, लेकिन धर्म को सीधा सच्चा। क्या अपने विकारों का अभाव जिसमें हो और गुणों की प्राप्ति हो वो धर्म है। क्या ये अन्य मतावलों के जैसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये सीधा सच्चा धर्म है। ये भोग विलास के त्याग रूप, पंचेंद्रियों के विषयों के त्याग रूप, कषाय के त्याग रूप, मिथ्यात्व अज्ञान के त्याग रूप धर्म है। क्या यहाँ के भगवान भी बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा स्वरूप उनको उनका है वैसा ही स्वरूप प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। ऐसा नहीं कि आप तो खावे काकड़ी और दूसरों को बतावे आकड़ी। आकड़ी समझते क्या, कुछ ककड़ी खाए और दूसरों के ककड़ी दूसरों को कहे कि ककड़ी नहीं खाना चाहिए, ककड़ी खाने के त्याग की शिक्षा देवे दूसरों को और आप ककड़ी खाने की बात करें।
क्यों? आप कहे ब्रह्मचर्य धर्म है, लोगों को कहे ब्रह्मचर्य धर्म है और आप स्वयं रासलीला करें, लोग पूछे कि भैया ये क्या है, तो बोले इनकी ये लीला है, तो हम करें तो हमारा कैरेक्टर लीला है और ये करें तो इनकी रासलीला है। ये झूठ बोले, मक्खन जो भी चोरी करे सब करे, वो सब इनकी लीला है और हम करें तो हमारा पाप है। तो तेरी मेरी बात हुई ना, न्याय तो सबके लिए एक सा होना चाहिए। भगवान जिनेंद्र के पास में इस तरह की कोई चीज नहीं मिली क्या? नहीं तो हम भी बिठाए थे यहाँ आदिनाथ भगवान, अकेले अकेले ऐसे सूखे सूखे के अच्छे नहीं लगते। एक तरफ बिठाते नंदा और एक तरफ सुनंदा है। कभी देखिए आपने इतनी प्रतिमाएं हैं भगवान आदिनाथ स्वामी की, एक प्रतिमा भी दिखेगी आप? अरे यहाँ तक कि शांतिनाथ भगवान की पत्नी का नाम नहीं मिलेगा, उनके माता पिता का नाम भले ही मिल जाए। तो भगवान जिनेंद्र का स्वरूप वीतरागमय है, इनकी प्रतिमाएं वीतरागमय है, धर्म वीतरागमय है और उपदेश भी वीतरागता का ही दिया गया है। इसलिए ये सरल सीधा सच्चा सपाट धर्म है और इसके अभाव जो वृत्ति है वो बहुत कुटिल है, टेढ़ी मेढ़ी है। कहते हैं कि ये जो कुटिलता है, ये कुटिलता किसी और का नाश नहीं करती, किसी और को दुखी नहीं करती है, ये इस जीव को स्वयं को दुखी करती है। क्या? ये इस जीव को खुद को आकुलित करती है। छली कपटे व्यक्ति खुद ही बेचारा निरंतर दुखी रहता है। हमने कभी किसी की पीछे पीठ पीछे चुगली करी, चुगली कर दी हमने, हमने अपने लिए जिंदगी भर की तकलीफ खड़ी कर ली। जैसे अब ये निरंतर ये भय बना रहेगा कि कहीं हमारी कही गई बात ये उसको बोल ली थी। तो लोग ऐसे करके बोलते हैं, देखो एक बात बताऊं उनके बारे में क्या, और ये बहुत सीक्रेट है ये एकदम, तो वो सीक्रेट है तो तेरे तक ही सीक्रेट रहने देना। और बोले किसी को कहना मत, ये केवल अपने तक ही रखना। अब जब तुम खुद अपने तक नहीं रख पाए, दूसरों से ही अपेक्षा कर रहे हो कि तुम अपने तक रखना। हमारे पिताजी एक किस्सा बताते थे कि उन्होंने घर में किसी को एक बात कही और ये कहिए ये बात बहुत गुप्त है, ये किसी को कहना मत और कहोगे तो बहुत बड़ा आपत्ति आ सकती है। पिताजी बताते हैं कि बिल्कुल वही के वही तीन सेंटेंस सहित उनके पास वो बात गुप्त करके उनके पास आ गई। तब से उन्होंने मेरे से कहा कि भाई जो बात मैं ही नहीं पचा पाया और मैंने दूसरों से अपेक्षा करी कि ये पचा लेंगे, अरे वो कैसे पचाएगा। दूसरी बात, जब हम किसी की निंदा करते हैं है ना, तो समझदार आदमी कहता है कि साहब को फलाने व्यक्ति जिनके बारे में कहते हैं ना, आपको मालूम है वो कैसे हैं, वो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। तो अपन कहते हैं कि भाई वो तो जैसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन तुम कैसे हो इसका परिचय तुम जरूर अभी दे रहे हो। हमको तुम्हारा परिचय पहले मिल रहा है, उनका परिचय तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन आपका परिचय अभी हाथों हाथ मिल रहा है। लौकिक के अंदर भी ये जो छल कपट है, ये छल कपट बार बार चलता नहीं है। क्या? एक तो पहली बात तो अपन ने नहीं लगा था, जो छल कपट करने वाला निरंतर भयभीत बना रहता है। जैसे ही उसने किसी की निंदा की तो वो कब तक भयभीत रहेगा मालूम है? जब तक कि वो निंदा प्रकट नहीं हो जाए। मैंने किसी की पीठ पीछे हमने कोई बात करी, किन्हीं दो व्यक्तियों को हमने भिड़ा दिया, इसको इसकी निंदा करी और इसको इसकी करी। अब अभी तो इन दोनों की बंदूकें आमने सामने हैं और जरा सा इनको पता चला
तो जो इन दोनों की बंदूकें इनके आमने सामने थी वो सारी टर्न होके हमारे सामने आ जाएंगी। अब वो नहीं भी टर्न होके आए लेकिन हमको जिंदगी भर इस बात की आशंका सताती रहेगी कि कहीं हमारी वो बात प्रकट न हो जाए, सशंकित एक निरंतर मन में शंका बनी रहेगी, निरंतर मन में भय बना रहेगा। किस बात का? कि हमारी बात पता न चल जाए। मैं तो कहता हूं कोई भी बात बोलो तो वो ऐसी बोलो कि हम मानो उसके सामने बोल रहे हैं। हम जिस किसी तीसरे की बात करें ना तो ये अपने दिमाग में उसको सामने खड़ा करो और खड़ा करके ये मान के चलो कि हम ये बात उसको ही सुना रहे हैं। और यदि हम उसको सुनाने की ताकत रखते हैं तो वो बात कहें, और यदि हम उसको सुनाने की बात नहीं रखते हैं तो समझ लो बात नहीं कहें। नहीं तो निरंतर सशंकित और भयाक्रांत चित्त वाला व्यक्ति धर्म करने के लायक नहीं रहेगा। जिसका चित्त स्थिर नहीं है, जिसका चित्त भयाक्रांत है, वो कैसे धर्म करेगा? धर्म करने के लिए तो शांत चित्त और निर्भीक व्यक्ति चाहिए। लोक में भी कहा जाता है कि सरल स्वभावी होए, अपनी पूजा में ना सरल स्वभावी होए ताके घर संपदन किसके। दुनियादारी में भी देखा जाता है कि छल कपट बार बार नहीं चलता। क्या एक बार हमने किसी से छल कपट किया और उसको पता चल गया तो जिंदगी भर के हमारे संबंध खत्म हो जाएंगे। दुकानदार एक बार ठग सकता है, दो बार ठग सकता है, तीसरी बार वो ग्राहक उसकी दुकान पे ही चढ़ने के पहले सोचेगा। एक कहावत है कि लकड़ी की हंडी अग्नि पे कितनी बार रखी जा सकती है? कितनी बार रख सकते हैं? एक बार नहीं जल जाएगी वो। ऐसे ही जो छल कपट है वो एक बार पता चल जाए तो अगली बार की दुकानदारी खत्म। कपट न कीजे कोई इसे छल कपट मत करो। चोरन के पूर नाम बसे, चोरों के नगर बसते हुए सुने कभी तुमने कि चोर नगरी है? क्यों? चोर नगर, डाकू नगर, लुटेरा नगर, जितने भी अपने इंदौर के नगर है कोई भी ऐसा नगर? अच्छे अच्छे नगरों के नाम, चोरों के कभी नगर नहीं बसते। चोरों का जो धन होता है वो तो व्यसनों में लगता है, चोरों के नगर बसते कभी सुनाई नहीं देते। कपट न कीजे कोई छल कपट मत करो, क्यों? क्योंकि चोरों के छल कपट करने वालों के नगर नहीं बसते। सरल स्वभावी होए, जो सरल स्वभावी होता है ताके घर बहु संपदा, उसके घर में तो यूं ही संपदा सोने वाली। बच्चा होता है ना सरल स्वभावी, बच्चे के पिताजी जरूर डेढ़ी अक्कल वाले। एक बच्चा था छोटा, वो एक बार ऐसे ही जो है बाहर घूमने निकला सुबह सुबह और एक दुकान देखी। उसने दुकान जो है खिलौने की थी, वो खिलौने पे उसका मन आ गया। अब देखता रहे खिलौने, लेकिन पैसे भी तो उन्होंने सी खिलौने खरीदे। तो दुकानदार ने उसको देखा, दुकानदार को भी उस पर प्रेम आ गया। तो दुकानदार ने कहा क्या देख रहे हो बेटा? बोले खिलौने देख रहा हूँ। कौन सा पसंद? बोले वो। बोले लेकिन, तो दुकानदार ने पूछा तेरे पास कितने पैसे? बोले एक रुपया। तो बोले ना, एक रुपये का ये खिलौना। एक रुपया लिया और खिलौना उसको दे दिया। खिलौना लेके घर पे आया, पिताजी ने कहा बेटा ये खिलौना कहाँ से लिया है तू? किसी ने चोरी करके लाया? कितनी बार बोला किसी चीज लेके नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं, चोरी वोरी करके नहीं लाया, बकाया था, खरीद के लाया। खरीद के लाया तेरे पास पैसे कहाँ से आए? थे एक रुपया मेरे पास था, एक रुपये का खिलौना लेके आया। सच? हाँ
1 रुपए में दुकानदार ने मेरे को खिलौना दिया। बापू बोले बेटा तू तो मेरे से ही बड़ा बढ़िया निकला। तो वो जो है बोले बेटा ये कम से कम 100 रुपए का खिलौना है, तो एक काम करते हैं मैं 50 का नोट सीधे लेके चलता हूँ और 50 रुपए में 50 खिलौने लेके आऊंगा, और 100 में नहीं तो कम से कम 50 में बिकेंगे तो 2500 रुपए की कमी तो हो ही जाएगी। आगे तो पिताजी आप पिताजी धंधे आगे क्या गए। तो वो गया तो उसने फिर बोला भैया ये 50 खिलौने दे दो। तो उसने कहा आपको इसका मूल्य मालूम है? बोला हाँ 1 रुपया। बोले 1 रुपया नहीं है, इस बच्चे की जेब में जो कुछ था वो इसका मूल्य था, अब तुम्हारी भी जेब में जितना भी माल है वो रख दो, वो इसका मूल्य है, क्योंकि इस बच्चे ने 1 रुपया नहीं दिया था, इस बच्चे के पास में जो कुछ था वो उसने सर्वस्व दिया था, और तुम सर्वस्व देने नहीं आए हो, तुम यहाँ सर्वस्व लेने आए हो क्या? तुम्हारा सरल स्वभाव नहीं है, इसके तो सरल स्वभाव से इसने जो था बेचारे ने ईमानदारी से बोल दिया मेरे पास ये। आपको मालूम ये जो ईस्ट अफ्रीका है ना, ये जो केन्या युगांडा क्या युगांडा वगैरह के अंदर इन अफ्रीकन देशों में पहले अपने यहाँ के बहुत सारे लोग गए थे और ये धंधा करते थे। इनके धंधा करने की स्टाइल क्या थी, जैसे कोई बेचारा आदिवासी सामान लेने आया तो वो सामान लेके कहता कि बाबू जी ये गेहूं लेना है, तो वो गेहूं क्या भाव के हैं? तो बाबू जी ये पूछते कि भाई तेरी जेब में कितने पैसे? 500 रुपए। तो ये 500 रुपए किलो है, मतलब समझ में आया, तेरी जेब में जितने पैसे सारे उससे निकलवा ले, कोई भाव फिक्स नहीं, 1 रुपये वाला हिसाब नहीं है कि तेरे पास 1 रुपया है तो हमने तेरे को गेहूं दे दिया, 1 रुपया होगा तो देगा ही नहीं, माने उसको भाव अपने हिसाब से उसके बेचारे के पास में जो होता वो उससे सबका सब वसूल ले। ये स्थिति हुई जब उन्होंने खूब लूटा खसोटा तो उन सबको डंडे पड़े, सबको भगाया वहां से, रातों रात इनको जमीने धन सब छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि जब इस तरह से तुम लूटोगे माने वो बेचारा आदिवासी उसको कुछ मालूम नहीं, तो तुमने कहा कि तेरे पास जो है सब कुछ वो उसी भाव है, तो वो तो छल कपट है ना, ये दूसरे तरह का दुकानदार है, ये बच्चे वाला नहीं है क्या? तो वो कहते हैं कि ऐसे लोगों की अंतोजत्व क्या हुई, अंतोजत्व कुछ लेके नहीं आ पाए, सब के सब वहीं छोड़ के आना पड़ा, रातों रात भाग के आना पड़ा क्या? तो वो कहते हैं कितनी बार करोगे ऐसे, ये जो छल कपट का प्रयोग है ये तुम कितनी बार कर लोगे, सरल स्वभाव ही होए ताके घर बहुत संपदा। लोग ने भी हम देखते हैं जिस दुकान के यहाँ पे भाव का हमको करना पड़े तो हमारे खरीदने के पहले ही दिमाग में 2 सर चढ़ जाते हैं, भाव बड़े भाव 500 का उसने भाव दिया, बनने का भैया 300, तो 300 में भी राजी हो गया तो अपने खुद का ये ले चुके, यानी 300 अपन 200 बोलते हैं, 200 में मिल जाती, और वो 200 भी बोलते हैं और देता तो 200 के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती मन को, मन को रहता कि और कम कर सकते थे। नेगोशिएशन में आज तक कभी किसी को संतुष्टि मिली नहीं, और जो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है कि हमने इस बच्चे को भी भेजा उस दुकान पे माल लेने, और दुकान ने बिल बनाया और एक भाव जो बिल पे आया वो पैसे इससे लिए, तो हमको बच्चे को भी भेजने में कभी मन में विकल्प नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि इसका प्रॉफिट फिक्स है, इसके भाव फिक्स है, कोई तरह की वहां पे बाग माल मतलब वो बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं, उन्हीं की दुकानें चल रही है, ये जो खुद बैठ बैठ के 2 के 4 करने में लगे उनकी नहीं चल रही, 4 के 2, 2 के फिर 1 करें क्या? इसके बाद में क्या कहा देखो, उत्तम आर्जव रीति बखानी रंचक दगा बहुत दुख रानी। उत्तम आर्जव की रीति बखानी है, और रंचक, ये रंचक कौन होता है? रंचक
रंचक कौन है? रंचक देखो ऐसा है, अपन जो पूजाएं पढ़ते हैं, मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप जो कुछ भी पढ़ो जिंदगी में, कम से कम उसका अर्थ समझ के पढ़ो। क्या अपने को रिकॉर्ड नहीं बनाने यहाँ पे? तुमने एक घंटे में कितनी करी? चार। मैंने एक घंटे में 8 मिनट आ गई। अब समझ में कितनी आई ये तुम जानो? अंदर कम से कम क्या पढ़ रहे हैं हमें पता तो हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। वहां में कुछ गलत भी छपा हो तो भगवान जय जी का। अभी ये जो अपनी पूजा होती है ना, पूजा है, इनके अंदर जब ये अपन भाव से पढ़ो ना, तो ये जितना नाच गाना होता है ना, ये नाच गाना हो ही नहीं सकता। अपन आधे रात भगवान की पूजा पढ़ते हैं, मारी दीन तनी सुन बीनती, पकड़ कसाई जाल में पापी काट काट तन खाए हो, मारी दीन तनी सुन बीनती है, पापी दे सो तन की मार। एक तरफ पूजा ही चल रही है और उसमें भी झाप मिल जाए पाप दे सो तन की, दे सो दे सो, अरे कितने छोटे भाई, 1 2 3 4। और फिर उसके बाद में एक आदमी आता बोलता आज क्या आनंद की क्या है ये? पर यदि इतने सोटे खाने में आनंद आ रहा है तो ये मंदिर के बाहर सोटे ही रखो यहाँ पे, और जो अंदर आए एकदम उसको आनंद आ रहा है सोटे खाने में। क्या पढ़ रहे हैं थोड़ा सोचो सही। जिसको पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाना चाहिए, उसको भी तुमको नाच गाना चाहिए उसमें है। स्थिरता निज में पाने को, तो स्थिरता पानी है तो थोड़े तो स्थिर हो जाओ। नाच गाड़ी कैसे स्थिरता आई? क्या हम क्या पढ़ रहे हैं हमें पता ही नहीं। वरना वास्तव में जो दुखों का वर्णन है उसके अंदर, उसको पढ़ के तो आंखें आंसू से भीग जाए, लेकिन हमारी आंखें आंसू से भीगती नहीं, हमको तो उसमें भी ढोल मजे मजा आता, मटक मटक करते लोग उसमें क्या होता है, पापी काट काट तन खाए हो। ये सब इसलिए है क्योंकि हमने एक चीज मान रखी है, हमने ये सोच रखा है कि हमारा काम पूजा पढ़ने का है, और ये अर्थ समझने का काम तो ये पंडित नाम का एक प्राणी है इसका है, ये करेगा अर्थ ये समझे। हम पढ़ने में कोई कमी कर रहे हैं, हम कसर रख रहे हैं तो बताओ, हमने पूरी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो पढ़ी है हम, बाकी हमारा काम समझने का नहीं है। नहीं तो समझते होते तो हम कितनी चीजें पूछे आपसे जो आप कम से कम हजारों बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसका अर्थ ख्याल में नहीं आएगा। अरे उदक के चंदन तंदुल पुष्प के अंदर जो दूसरी पंक्ति है, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रह जिन नाथ मामेजे, उस पंक्ति का अर्थ भी नहीं आता कई लोगों। और वो स्वस्ति मंगल पाठ जो बोलते हैं ना संस्कृत में, कौन सा नित्यम प्रकम्पा बुद्ध केवलोगा स्मरणा परये शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियाशु परमर्षियों ने, क्यों मुकेश जी इसका अर्थ कितना बता रहे? तो ये बिना उसके काम नहीं चलेगा भैया। क्या नहीं तो आनंद तारण कचु न जानम बाबा वाक प्रमाणम, भैया भगवान आप ही जानो, जो यहाँ लिखा तुमने लिखा, तुम्हारी तेरी तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। समझ के पढ़ना पड़ेगा, बिना समझे काम चलने वाला नहीं है। अभी अपन इसके पहले भक्तामंजरी स्तोत्र पढ़ रहे थे, एक बार इसका जितने जितने 48 धोए हैं ना इसके, एक बार थोड़ा इसका अर्थ समझना, और अर्थ समझ के इसको भाव से ही पढ़ना, तो इसमें इतना आनंद आएगा जितना आनंद अभी बिना अर्थ समझे नहीं आता हो। कोई भी चीज हो, संस्कृत की हो, प्राकृत की हो, हिंदी की हो, बिना उसका अर्थ समझे आनंद नहीं आएगा। रंचक दगा बहुत दुखदानी है, ये पूजा पूछूंगा आपसे सब पता चल जाएगा किसका क्या है। रंचक कौन है? रंचक धोखा देने वाला, अथवा वंचक होते हैं जो पीठ पीछे निंदा करने वाले, तो वो जो है बहुत दुख देने वाले हैं। दगा देने वाले जीव बहुत दुख देने वाले हैं। क्या रंचक दगा बहुत दुखदानी, और फिर मन में हो सो वचन, वचन हो सो तन सो कचरी, मन में हो सो वचन कुचरी बोलो, और वचन हो सो तन सो करी, तो ये होगा ना अर्थ धर्म। जो मन में आए वो वचनों में बोलो, और जो वचन में आए वो काया से करो,
एक्चुअल में ये जो बात है ये एक रूपता के लिए, तुम्हारे मन वचन काय की एक रूपता हो, माने मन कुछ और सोचे, वचन कुछ और बोले, करो कुछ और, ये छल कपट रूप परिणाम है और ये तुम्हारी आत्म शांति को भंग करने वाला है। क्या टेढ़े मेढ़ा व्यक्ति हमेशा आशंकित भयाक्रांत है और उसको अपने अपनी छल कपट को छुपाने के लिए अनंत प्रयास करने पड़ते हैं तो भी छुपाए नहीं छुपता। तो इसलिए ये तो इसलिए बात कही है कि आप मन वचन काय की एक रूप प्रवृत्ति रखो। अब इसका अपन दूसरी तरह से विचार करते हैं, मन में होए सो वचन उचलिए, ऐसा अपन एज इट इज इसको मान ले, जो भी मन में हो तो वचन से जो उच्चारण करे और वचन में जो हो वही काया से करे तो उसके ही अर्जन धर्म होगा। तो इसमें दो तीन प्रश्न मेरे को खड़े होते हैं कि जिसके वचन और काया नहीं है तो वो बेचारा क्या करे, जिसके सॉरी वचन नहीं मन और वचन नहीं है, यार जिसके मन नहीं है और वचन और काया है तो उसके अर्जन धर्म होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो तो तीनों काम कर ही नहीं पा रहा है, तो आप कह दोगे उसके नहीं होगा, माने बिना मन वचन बिना मन के वचन के और काया के धर्म नहीं होगा ना, कि हो सकता है, यदि बिना मन वचन काया के धर्म नहीं हो तो सिद्धों के आर्जव धर्म संभवित ही नहीं होगा, फिर सिद्ध तो आर्जव धर्म से रहित हो जाएंगे क्योंकि उनके न तो मन है न वचन है न काया है। तो आप कह सकते हैं साहब मन वचन काया की एक रूपता भले ही नहीं है लेकिन मन वचन काया की विरूपता भी तो नहीं है, तो यदि विरूपता नहीं होने का नाम आर्जव धर्म है तो जिनकी अकेली काय है उनके भी विरूपता कहाँ है, क्योंकि उनके दो चीज तो है ही नहीं, जब वो है ही नहीं तो विरूपता वहां मिलेगी कहाँ, तो उनके भी आर्जव धर्म है। एक इंद्रियों के आर्जव धर्म मानना स्वीकार होगा आपको, क्यों ये जो पेड़ पौधे हैं इनके आर्जव धर्म है, यदि आर्जव धर्म होता तो पेड़ पौधे क्यों होते। तो इसे मन वचन काय की एक रूपता से तो हमको समझाया गया है, क्या वास्तव में देखा जाए तो मन वचन काय होना इस धर्म के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन हमें जिनको समझाना है वो मन वचन काय वाले, जो समझाने वाला है वो भी मन वचन काय वाला है, तो हम मन वचन काय के माध्यम से इसको समझते हैं। वास्तव में तो जो अंतरंग में आत्मा की जो सरल परिणति है उसका नाम आर्जव धर्म है और इसके लिए हमें वचन से बोलना और काया से वो चीज करना वो आवश्यक नहीं है, कि हमारे मन में आए तो वचन बोले ही और बोले तो कुछ काया से करे ही। जो मुनिराज कुछ नहीं बोल रहे हैं तो क्या उनके आर्जव धर्म नहीं होगा, जो ध्यानस्थ है काया से कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या उनके आर्जव धर्म नहीं होगा। अरे है, ये तो इतनी बात है कि तुम कम से कम उसकी एक रूपता रखो, उसमें विरूपता मत करो, छल कपट मत करो। मन वचन काया के माध्यम से इसको समझाया गया है विरूपता को, नहीं तो यदि हम इसको ऐसा का ऐसा मान लें तो क्या दिक्कत आएगी। देखो मन में हो सो वचन उचलिए, माने मेरे मन में जो कुछ भी आए मैं उसको बोलूं, तो मेरे मन में कभी आ जाए कोई चीज है, अपने मन में आ जाए कभी, अपने घर वालों के बच्चे पे आ जाए गुस्सा, पत्नी पे आ जाए, इसको पत्नी एक चाटा मारना समझ नहीं रहे, पहले मन में आता कोई भाव, अभी मन में आया अपन ने वचन में बोले ही नहीं तो धर्म कैसे होगा। पंडित जी बताया, पूजा बताया ज्ञानत राय जी ने कि मन में हो सो वचन उचलिए, तो अपन तत्काल बोलो तेरे को मैं एक चाटा मारू, अब फिर अपन ने बोला, अब फिर आगे की मन में हो सो वचन उच्चरी, और आगे ये भी लिखा है वचन हो सो तत्सो करिए, तो इधर आते और दे अब धर्म पूरा हुआ। ये धर्म पूरा हुआ कि ऐसे को कहेंगे कि मन में जी तो मन में ही रहते तो बहुत अच्छा रहता है, ये वचन तक आई वही झगड़ा हो गया, वचन से काया तक आई तो सत्यानाश ही हो गया। इतनी बातें अपने मन में आती है और अपन बहुत होशियारी से उसको वचन में नहीं आने देते हैं,
तो कितनी घर की शांति बनी रहती है। यदि अपन इस बात पे ऐसा का ऐसा अमल कर लें और मन में जो आए वो वचन में बोलने लग जाए तो कल से ही घर के अंदर अभी जितने लठरी चल रहे थे उसे डबल चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में जितना पाप है उतना हम वाणी में नहीं लाते और नहीं लाना चाहिए। नहीं लाते तो अच्छी बात है, क्योंकि यदि मन की हर बात हम वाणी में ले आए तो हमारे क्षण क्षण में परिणाम बदलते रहते। बच्चे में क्षण भर में गुस्सा आया, क्षण भर में प्रेम आ जाता है, है? अपने घर में अपनी परिस्थिति नहीं बदलती, क्षण भर में अपने को पत्नी ज्वाला वही दिखती है, छह महीने शांता वही दिखती है, परिणाम तो बदलते रहते हैं। और यदि उसके आधार पर कोई काम करने लग जाए तो बहुत दिक्कतें आएगी। यदि जो अपन ने सुबह सोचा कि ये ऐसी थी और अपन वो यदि उसको बार बार बोले और बोल के वैसे ही करें तो निरंतर घर के अंदर झगड़े होंगे। दुनिया में लोगों के मन में पाप ज्यादा है कि वचन में पाप ज्यादा है कि काया में ज्यादा है? बता पाए मन में, मन में जितना मन में होता है उसका बहुत कम हिस्सा वचन में आता है और जितना वचन से बोलते हैं उसका बहुत कम करते हैं। और अच्छा है, यदि ऐसा नहीं करे तो पूरी दुनिया में कोलाहल मच जाए। तो इसलिए पूजा की बात का क्या करें, अपना पूजा में तो यही था मन में हो सो वचन करी, वचन हो सो तन सो करी। पूजा तो ध्यान राय जी ने लिखी, अब इनका क्या करें? तो ऐसा है, ये तो देखो ये हमारे मन को पवित्र बनाने के लिए पंक्ति है। तुम अपने मन में ऐसे खोटे भाव आने क्यों देते हो? मन को इतना परम पवित्र बनाओ कि तुम्हारे मन की बात यदि वचनों में निकले तो लोगों निहाल हो जाए और यदि तुम्हारी काय से प्रवृत्ति हो तो जगत के अनेक जीवों का उपकार हो। माने तुम्हारे मन के भाव पवित्र हो इसके लिए ये बात कही। क्या? लेकिन जब यदि मन की मन में यदि मन यदि पवित्र ना हो तो क्या करें? तो उनके लिए यही कहेंगे कि मन में होवे सो मन में रखिए, या और वचन भी उछल दिया तो वचन तक ही रखिए, क्योंकि ये मन एकदम पवित्र होने वाला तो है नहीं। इसलिए अपवित्र वस्तुओं को चाहे जो उच्चारण करने के लिए ये पंक्ति नहीं है, अपने अपवित्र भावों को, अरे ये तो हमारे भावों को पवित्र बनाने के लिए मान पंक्ति है। मन में होए सो वचन उच्चरिए, वचन होए सो तन सो करिए। फिर आगे की पंक्ति स्पष्ट करती है, कर ये सरल त्यों जोग। ये जोग क्या है? जोग तीन योग कौन कौन से? यही मन वचन आगे तीनों सरल हो। क्या? तीनों की सरलता एक रूपता। कर ये सरल त्यों जोग अपने देख निर्मल आरसी। आरसी क्या होता है? आरसी क्या है? पढ़ी ना पूजा सुबह, आरसी का क्या? आईना, दर्पण, दर्पण, दर्पण। आरसी माने दर्पण, आईना, निर्मल दर्पण में जो अपन जो चेहरा देखते हैं तो जो होता है वही दिखता है। कई लोग कहते फोटो कितनी अच्छी है, अरे या फोटो बुरी है, तो बुरी है या जैसी है? जो अच्छी है, अच्छी और बुरी क्या है? जैसी थी जैसी, तुम्हारा थोड़ा जैसा होगा वैसी आ गया, वो क्या करेगा? कैमरे की क्या गलती है भैया ये तो बताओ? कैमरा ने तो केवल तुम्हारे चित्र को, तुम्हारे चेहरे को बताया है, जैसा का तैसा बताया है। क्या अब दर्पण में देख रहे हैं? क्या दर्पण में कोई काली मन थी तो अंदर से पोता लाए और दर्पण बदल? क्या सर काला चेहरा में पसंद नहीं है इसलिए दर्पण को साबुन लगा के सर पर लक्ष्य की साबुन? क्या हुआ सर? दर्पण को जो जैसा है वैसा बताता है, इसलिए दर्पण की उपमा दी है। मुख्य करे जैसा दर्पण है, जैसा दर्पण वास्तविक चीज बताता है एकदम, यदि यहाँ कुछ है तो वहां वैसे ही दिखेगा। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे ही मुख करे जैसा जैसा, मतलब जैसा अंदर में हृदय में हो अथवा जैसा मुख बनावे लखे तैसा, वैसे ही बोले वैसे ही करे। समझ आया? कर ये सरल त्यों जोग अपने देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा। माने मुंह से कुछ और वचन बोले
बोले कुछ और, चेहरा कुछ और दिखावे, हजारों का प्रॉफिट हो रहा और दिखा ऐसा। बहन जी आपको तो भाव के भाव में दे रहा, बहन जी जानती है कितने भाव के भाव में दे रहे हैं। मुख कुछ और, मुख का चेहरा कुछ और दिखावे और अंदर भाव कुछ और हो तो बोले छल कपट है। मुख करे जैसा इसने, जैसा मुख हो उसी अंदर, मैंने मन वचन काय या मुख का भाव और अंदर के परिणाम एक रूप होना चाहिए। कपट प्रीति अंगार, कपट जो है वो प्रेम में अंगारे का काम करता है। प्रेम कब तक है? जब तक परस्पर में किसी प्रकार का छल कपट नहीं। सरलता है जो हमारे हृदय में आया वो हमने वैसा का वैसा कह दिया, जो उसके हृदय में था वो कह दिया। मैंने कोई भी किसी प्रकार की भी लाग लपेट नहीं है, कोई प्रकार का छल कपट नहीं, कोई प्रकार का दिखावा, कोई प्रकार का छुपाना, कहना कुछ और, करना कुछ और, बोलना कुछ और, पीठ पीछे कुछ करना, जब तक ये नहीं है तब तक क्या है, अपनी प्रीति प्रेम बना हुआ है। और जहाँ सामने कुछ और पीछे कुछ और, मैंने जहाँ छल कपट का उपयोग हुआ वही क्या है, प्रेम के अंदर वो अंगारे का काम। एक ट्रक भर के लुई हो उसको कितनी आग चाहिए जलाने के लिए? एक चिंता नहीं, बस खत्म, ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसे ही वर्षों का प्रेम हो हमारा आपका, लेकिन उस वर्षों के प्रेम को नष्ट करने के लिए जरा सा छल कपट पता चल जाए कि ये छल कपट किया है, खत्म। कहानी आपकी शास्त्रों में, दो भाई थे क्या बड़े अच्छे प्यार से रहते थे, तो एक बार क्या हुआ कि भैया को अच्छा मन आया तो अपने उन्होंने दस्ते में सांटे देखे, तो सांटे लेके आए, सांटे लेके आए, बच्चे को बुलाया बेटा आओ सांटे लेके आए। और दोनों दो बच्चे, एक तो उनके भाई का और एक खुद का, दोनों आए दौड़े 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 आए। अब इधर इस हाथ में जो सांटा था वो बड़ा था, इधर हाथ में जो सांटा था छोटा था, और जिधर बड़ा था उधर भाई का बच्चा आया, छोटा था खुद का आया। जैसे ही आए तो उन्होंने ऊपर से भैया ने देखा, नीचे आया, बोले भैया बस हो गया क्या, हिसाब किताब कर लो आज कि तो क्या हुआ, कुछ नहीं बस, ये भाव तुम्हारे अंदर आया कैसे, ये हाथ यूं थे स्वाभाविक थे, ये हाथ यूं क्यों हो गए, ये जो यूं हुए हैं इसका मतलब ये कि तुमको अपने पराया दिख गया, ये मेरा है और ये इसका है, इसको छोटा और मेरे को बड़ा, मतलब इतने में तो काम खत्म। तो इसलिए वो कहते हैं कि ऐसी भूल स्वप्न में भी मत करो, जो इतने वर्षों की प्रीति को जरा सी छल कपट के अंदर नष्ट कर दे तो ऐसा कपट योग्य नहीं है, वो कपट प्रेम के अंदर अंगारे का काम करने वाला है। कपट प्रीति अंगार सी नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी। ये लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी, ये लक्ष्मी अधिक छल कपट से आने वाली नहीं है, ये भ्रम है लोगों का। कोई लोग ये कहते हैं कि साहब आजकल बिना दो चार किए, बिना छल कपट किए धंधा नहीं चलता है, तो ये शास्त्र में तो ये बात कही है कि भैया धंधा चलता है वो छल कपट के बिना ही चलता है। क्यों? क्योंकि छल कपट जो है वो कोई लक्ष्मी आने का कारण नहीं है। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, छल कपट करते हो तुम तो उससे पुण्य बनता है कि पाप, पाप बनता है, और लक्ष्मी आएगी तो पाप से आएगी कि पुण्य से आएगी? काम कर रहे हो पाप का और मान रहे हो कि लक्ष्मी आ रही है, गजब बोए पेड़ बबूल का और उससे मान रहे हैं कि आम हो रहे हैं। अरे आम तो तेरे कुछ पहले बो रखे थे आम के पेड़, उससे आए हैं, ये बबूल के पेड़ से नहीं आए हैं। बबूल का तो जब फल मिलेगा तब आगे दुखी आएगा क्या? वास्तव में हमारे जितनी भी पदार्थों का संयोग हुआ है इन सब में हमारा पूर्व पुण्य का उदय कारण है। हमारा वर्तमान का छल कपट, हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ,
हमारी इतनी दो चार करना, ये सब कुछ कारण नहीं है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बचपन से ही लिखा के लेके आए, उनके मतलब उन्होंने ऐसा पुण्य बांधा कि उनके पिताजी ने उनके लिए जिंदगी भर मेहनत करी और मेहनत करके वो चले गए। क्या हमें ऐसा पिता मिला कि जो बेचारा जिंदगी भर उसकी सेवा करता रहा। बोल, पिताजी ने ऐसी पाप बांधा सेवा करने का, तो बच्चों के ऐसे पुण्य थे तो वो काय से मिला? इन्हें तो कुछ नहीं किया, इनके लगे लगे चल गई और ये बेचारे रात दिन एक करके मरते रहे। तो बच्चा याद भी करता तो क्या कहता हूँ, अरे साहब वो दुकान चलती थी, अब दुकान पे कौन बैठेगा? क्या क्योंकि आजकल नौकर कहाँ मिलते हैं ऐसे। वो पिताजी थे तो बिल्कुल ईमानदारी से बैठते थे, उनके पिताजी तीन दिन से ज्यादा जो सगा पिता होता है ना, जो अपने को सब कुछ देके जाता है, उसको आदमी आजकल चौथे दिन याद करने को तैयार नहीं है। यदि अपन आड़े भेड़े टाइम पे चले जाओ तो लोग सब घर वाले से देखते ऊपर से नीचे, पंडित जी कहाँ घुस गए? नहीं भाई, अखबार में पढ़ा कि वो हमारे मित्र जो है वो यहीं गिरते थे और गुजर गए। हाँ देखते तो यही थे, पर अखबार में आपने यही तो पढ़ा होगा कि शाम को 7 से 8 टाइम। अब बोलो शोक मनाने के भी टाइम फिक्स होगा, मैंने हम रोए भी टाइम पे, हम अभी बीच में रो नहीं सकते। गजर है भैया, हैं? जिस पिता ने तेरे को इतने रात दिन पाला पोसा, उसको कुछ चौथे दिन याद करने को तैयार? दुकान वाला कहता है मेरे को दुकान खोलनी है, नौकरी वाला कहता है मेरे को नौकरी पे जाना है, खेती वाला कहता है मेरे को बोनी करनी है, ये तो संसार की स्थिति। अखबार में लिखवा करो कि 2 ही घंटे हैं, बीच में मत आ जाइयो। क्या मेरे सब लोग घर वाले मिलके पत्नियां मिलके ऐसा रवाना करेगी कि वो कहेगा भैया क्या डरती हमें यहाँ आ गए? तो इसलिए ये कुछ नहीं है, ये जो पुण्य का उदय है, वो जो बच्चे हैं वो तो वास्तव में पिता भी उसके पुण्य का दास था। और लोक में जितने भी अपन पुण्यशाली पद देखते हैं, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, तीर्थंकर, ये कौन सी दुकान पर छल कपट करके बनते हैं? बताओ चक्रवर्ती कितने छल कपट करके बने, नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, तीर्थंकर, पूर्व भोग में महामुनिराज सही छक्कर साहब के मुस्तान में झूलने वाले। तो इसलिए ये बात ही छोड़ो, पैसा लक्ष्मी जो है वो छल कपट से आती है, बल्कि छल कपट से तो जो पुण्य का उदय होता है वो चले जाता है। देखो क्या है हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमारे पुण्य का उदय और छल कपट का होना एक काल में होता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि छल कपट से पैसा है। जैसे मैं किसी को कहूँ कि ट्यूबलाइट बंद है ना, इसको जलाना एक मिनट, तो एक आदमी उधर जाए अंदर और वहां से माचिस ले गया और माचिस ले गए और जाके चढ़ के और माचिस की तीली जल जाए, तो इन्होंने कहा है कि ट्यूबलाइट जलाओ, जल अपन देखे क्या हुआ इसको। यहाँ आ गए, अपन ने उधर से खटका चालू की, खटका चालू की इधर और इधर उनकी माचिस की तीली जली। तो देखो आजकल माचिस से भी ढंकी नहीं आती, अभी 4 माचिस से नहीं जला, फिर 5वीं से तो आके ये ट्यूबलाइट। अब नीचे आया, अपन उसको समझा रहे कि ऊपर क्या कर रहे थे, कुछ नहीं ऊपर ट्यूबलाइट जला के आया, ट्यूबलाइट तुमने तो ही जली, ट्यूबलाइट तो खटके से जली, काहे की खटके से जली, मेरे आंखों देखी बात है, मैंने इधर जलाई और इससे ट्यूबलाइट जली। तो भाई तेरे जलाने से ये जली, तो पहले जो 4 तीली जलाई थी उससे क्यों नहीं जली? कि वो तीली ठीक नहीं थी और ये तीली बराबर आ गई, इसलिए इस तीली से जली। जली तीली से कि जली खटके से? लेकिन जिसने खुद ने अपनी आंखों से इधर देखी और इधर जली, अब पीछे क्या हुआ आपको तो कुछ दिखी नहीं, तो उसको यही भासित होता है कि ये मेरे जलाने से जली है। अब उसको कहा अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बताओ, देखो भैया हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, बिजली का करंट गया, तो मानने को तैयार नहीं ना, क्योंकि उसको तो जो दिखा उस पर विश्वास है। ऐसे हमारी स्थिति यही है, हम कोई काम करते करते खूब प्रयास करते
सर छल कपड़ दाव पेच ऊपर नीचे सब कर लेते हैं और कोई पुण्य का उदय फलता है, काम हो जाता है। ये दाव पेच लगाया अपन ने काम से, अब दाव पेच से हुआ काम के उदय से हुआ, कार्य होता है पुण्य के उदय से और ये जीव मानता है मेरे दाव पेच से होता है क्या। इसलिए हमने कहा नहीं लय लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता, जो कर्म बंध की विशेषता है तुम पाप बांधोगे तो पाप से लक्ष्मी थोड़ी नहीं आएगी, पाप से तो होगी वो चली जाएगी। भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। अरे बिलाव को नहीं बिलाव, ये बिल्ली का हस्बैंड है, मतलब नर नर बिल्ली है नर। तो ये भय त्याग क्या, ये भय को त्याग करके दूध पीता है। भय त्याग दूध बिलाव पीवे, अब इसका अर्थ कह लो समझे, यहाँ बिल्ली बिलाव कहाँ आ गए, ये बिलाव कहाँ से आ गया। तो ऐसा ही बिलाव का उदाहरण इसलिए दिया है कि जैसे बिलाव बिलाव होता है ना, बिलाव ने यदि दूध पकड़ लिया तो दूध छोड़ता नहीं क्या, आप उसको मार मार के थक जाओ, किसी वस्तु से भी मारो मार खा लेगा लेकिन दूध नहीं छोड़ेगा, निर्भीक होकर भोगता है, कोई भयभी नहीं करता क्या। तुम कितने ही उसको चप्पल की जूते की सबकी मार लो, मारना मतलब वो जब तक दूध नहीं पिएगा तब तक वो दूध छोड़ने वाला नहीं है। तो जैसे वो निर्भीक होकर और दूध पीता है, भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता, वो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं देखता है। ठीक उसी प्रकार जिसने छल कपट नहीं किया हो वो अपनी लक्ष्मी को भी उतनी निर्भीकता से भोगता है, उसके लिए उदाहरण दिया है। जिसने छल कपट किया है उसको रात दिन शशंका बनी रहती, कब इनकम टैक्स का लग जाए या कब नोटबंदी हो जाए, कब जीएसटी लग जाए, कितने सारे टी है यहाँ पर, बेचारा करे क्या, क्यों, क्योंकि जाने इधर छुपाया उधर छुपाया उधर छुपाया उधर छुपाया, कहाँ कहाँ छुपाओगे तुम। जिसने किसी प्रकार का कुछ है नहीं, जिनकी बिल्कुल खुली किताब है एकदम, अंतरंग बहिरंग एक से है, आधी रात को भी कोई उठा दे तो किसी प्रकार का जिसको कोई भय नहीं है, हमने जिंदगी में कभी किसी का कुछ बिगाड़ किया हो, किसी का छल कपट से धन संपदा छीनी हो क्या, हमने किसी का भी कोई बुरा किया तो हम डर खाए, हमको डर किस बात का है, हमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया हो तो हमें किस बात का भय होगा। और हमने यदि छल कपट से किसी का भी धन हड़पा है तो हमें निरंतर भय बना रहेगा, जिस दिन छल पता चलेगा उस दिन हमारा ये धन चले जाएगा। तो जाएगा कब जाएगा, जब तक नहीं जाएगा तब तक उसके जाने के भय से निरंतर आशंकित रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि लक्ष्मी भी कोई भोग सकता है, लक्ष्मी भोगने के लिए भी तो निराकुलता चाहिए, ये तो आकुलता का घर है छल कपट, ये तो आकुलता का घर है। इसलिए जिसने छल कपट नहीं किया होगा वो यूं ही जीवन में निराकुल है, धन अपना नौकर है कि हम धन के नौकर, क्यों धन काहे के कमाया जाता कि अपन निराकुल रह सके और उसके मारे आकुलता हो जाए। हम मकान में इसलिए रहते हैं कि हम कम से कम शांति से रह सके, लेकिन हम मकान में इतने बिजी हो जाए कि हमारे दूसरे काम ही नहीं। हमारे परिचित है, सच्ची घटना बताऊँ ना आपको, वो रोज सुबह हमारे साथ पूजा करते, पूजन वगैरह सब बढ़िया, तो बहुत देर तो दिखे ही दिखे ही नहीं, पक्का चले गए, एक दिन दिखे 12-1 बजे। तो मैंने कहा भाई तुम 12-1 बजे इतनी बजे, और हमको दूर की हमारी मामी लगती थी, हम कहते मामी तुम 12 बजे आ रही, तो बोले देखो भैया तुमको पता ही है वो मामा ने जो है वो घर बना लिया है। तो मैंने घर बनाने से क्या मतलब, क्या बोले वो घर कांच का है, कांच का, तो कांच का है क्या, अरे तुमको मालूम भाइयों के तो आजकल क्या काम है, क्या वो कांच मेरे को सुबह से साफ करने पड़ते हैं क्या। तो मैंने कहा गजब हो गई तुम तो, क्या अब तुम खुद ही नौकरानी बन गई। उनके पति बोले कि साहब इनको दूसरों का काम पसंद ही नहीं आता, और यदि कभी कोई नौकरानी रखो तो सुबह सुबह भगवान को याद नहीं करेगी,
सबसे पहले भाई को याद करेगी कि भाई आएगी कि नहीं आएगी। घर में हम घुसते हैं तो घंटी बजती है, तो सोचती भाई आई और हम दिखते आ रहे घुसता। तो मैंने कहा धन्य है वो तुम्हारा परिग्रह। अरे जब दो कमरे थे तो दो कमरे के आराम से साफ सफाई होके तुम सुबह से मंदिर में आ जाते थे, और अब ये कमरे हो गए छह, और उन छह कमरों के शीशों की साफ सफाई कर रही हो और तुम घर की नौकरानी बन गई, तो तुम्हारा मंदिर छूट गया धर्म छूट गया। काम तो दो ही कमरे आएंगे, दो से तीसरा कमरा झाड़ू लगाने का है, लगा झाड़ू उसके आराम, चौथा होगा तो उसकी भी झाड़ू लगा। काम का क्या है, जिंदगी में हर चीज आप विचार करना, वस्त्र हमारे जो पहनने के उतने ही काम है, हमारी जिंदगी कितनी बड़ी है, जगह कितनी काम आएगी। अरे एक खान मतलब दो कमरे एक चल में आदमी को उससे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, उससे ज्यादा की तो झाड़ू लगाने की काम आता है, और झाड़ू खुद नहीं लगाएंगे जिसको लगवाना आएगी तो उसको भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा क्या। और कितने ही लोग तो काम वाली पे निगाह रखने के लिए वही घर रहते, वो खुद उसके चौकीदार बन गए, काम वाली के चौकीदार। काम वाली कुछ ले नहीं जाए, माल इतना रखने का क्या करें, आकुलता का घर है वो। तो वो कहते हैं कि आखिर ये जितना भी जो कुछ तुमने किया ये चित्त की शांति के लिए किया था, और वो चित्त की शांति नष्ट हो गई तो इससे मिला क्या, क्या इस सबसे उपलब्धि क्या हुई, अंतोगत्व रिजल्ट तो जीरो था, क्या मिला इससे क्या। अच्छा शास्त्रों में तो इतना आता है कि इतना इतना सा जो छल कपट, इतना सा ये इतना सा छल कपट जीव की दुर्गति का कारण बनता है। मतलब शास्त्र में तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथ में ये जो छल कपट है वो तिरंच गति के तिरंच आयु के आश्रय का कारण कहा है। मालूम सूत्र याद है किसी को, माया तैर्य योनस्य, माया तिरंच योनि के आश्रय का कारण है। क्यों है मालूम आपको, माया का तिरंच गति का तिरंच आयु का आश्रय कारण। देखो आपको जब मन वचन काय मिला तो आपने उसका दुरुपयोग किया, अपने मन में कुछ और रखा, सामने वाले कुछ और बोला, करा कुछ और, मैंने आपने मन वचन काय की एक रूपता नहीं रखी, विरूपता रखी, खूब छल कपट किया। तो अब ये आप मन वचन काय के लायक नहीं हो, तो इसलिए आपका मन भी जाएगा और वचन भी जाएगा। मन जाएगा मतलब आप असंगी पंचेंद्री हो जाओगे या चारेंद्री बन जाओगे, और वचन भी जाएगा इसका मतलब एकेंद्री बन जाओगे, तो उसके लायक ही नहीं हो क्या। ये मन वचन काया उनके लिए शोभती है जिन्हें की मन वचन काय के अंदर छल कपट करने का काम भाव नहीं आता। जो मन वचन काया जो छल कपट करते हैं उनके मन भी जाता है, वचन भी जाता है, अकेली बचती है काया। और दूसरा एक और पर्याय के आश्रय का कारण कहा है, मायाचारी कौन से वेद के आश्रय का कारण, स्त्री वेद के आश्रय का। शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, क्या कि मायाचार जो है स्त्रियों में बहुलता से होता है, मायाचारी बनता भी है, स्त्री पर्याय मिलती भी मायाचार की बहुलता से है, और स्त्री पर्याय में मायाचार बहुलता से होता है। यहां तक लिखा है कि जैसे भगवान का विहार बिना इच्छा के होता है, ऐसे स्त्रियों में मायाचार सहज होता है। सहज माने उनको सोचना ही नहीं पड़ता मायाचार करने, उनके स्वभाव से ही मायाचारी होता है। क्या उनको कोई भी काम करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी करना है, घुमा के टेढ़ा मेढ़ा घुमा के, बहुत देर बाद आदमी को समझ में आए कि ये क्या कहें, पर्याय का स्वभाव। तो ठीक है कोई बात नहीं, स्त्री पर्याय मिली छल कपट के कारण, लेकिन कम से कम अब छल कपट छोड़ दे तो उस स्त्री पर्याय से मुक्ति मिल सकती है, और कोई पुरुष यदि छल कपट करे तो वो स्त्री पर्याय में उत्पन्न हो सकता है। आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी कि मायाचार की वजह से एक जीव तिरंज गति में गया, पढ़ी कहानी आपने। दो मित्र थे, एक राजा का पुत्र और एक मंत्री का पुत्र,
और ये दोनों जो है ये इन दोनों की तो एक था नहीं, इन दोनों में से एक तो क्या, एक जो था एक उसके अंदर, तो वो जो है मतलब उसने विहार किया और विहार करके वो एक पर्वत के ऊपर विहार मतलब वहाँ एक वहाँ पे जो है जाके ध्यानस्थ हुए। और उसी समय क्या हुआ कि एक मुनिराज और थे और वो जो मुनिराज थे वो नगर में आए। तो ये जो मतलब एक जो दूसरे मुनिराज थे ये तो एक महीने के उपवास किए हुए, कितने महीने के, एक महीने। सीधी सी बात ये है कि एक महीने का उपवास किए हुए कोई मुनिराज थे और वो हार लेने नहीं गए, उनको चारण वृद्धि थी तो वो तो चारण वृद्धि से कहीं और विहार कर गए और उनकी जगह दूसरे कोई मुनिराज नगर में हार लेने के लिए गए। लोगों ने समझा कि ये वही मुनिराज है जिन्होंने की एक महीने का उपवास, मासों उपवास की मुनिराज है। तो लोगों में आहार मान देने की बहुत उत्कंठा जागृत थी, कोई मासों उपवास मुनिराज का पारणा हम कराएंगे, जिन्होंने एक महीने का उपवास किया है उनका हम पारणा करें, उनका पारणा, पूरे गांव में होल्ला मच गया और मासों उपवास की मुनिराज करा रहे मासों उपवास। तो अब उनको ये समझ में आ गया कि यहाँ कोई मुनिराज थे जिन्होंने एक महीने का उपवास किया था और वो आज के दिन पारने पे निकलने वाले थे और ये सब मेरे को वो मुनिराज समझ रहे। तो वो चाहते तो एक पंक्ति बोल सकते थे कि भाई मैं मुनि तो मैं भी हूं लेकिन मैंने एक महीने का उपवास नहीं किया, लेकिन वो नहीं बोले। और ये मन में बात बना रखी, बना रखी, किसी से कुछ नहीं बोला, आहार लिया, आहार लेके वापिस से आए और अपने गुरु के पास आए और उनके पास भी आके उन्होंने इस बात का कोई निवेदन नहीं किया। मैंने मन में जो शल्य थी कि भाई मेरे को किसी ने माना कुछ और मैं था कुछ और, इस शल्य को उन्होंने निकाला नहीं। तो वो जो थे वो मर के क्या हुआ, पहले तो मुनि अवस्था से मर के गए देवगति में और देवगति से मर के बने वो हाथी। और वो हाथी का जीव जो था उस वो हाथी का जीव एक बार रावण जब अपने दिग्विजय के लिए निकला तो वो हाथी का जीव उनको उपद्रव करता हुआ एक वन में दिखाई दिया। मतलब वो शांति से बैठे थे, उनकी सेना शांति से बैठी थी, तो वन में हाथी ने देखा कि वन में हाथी बहुत उपद्रव मचा, तो उस हाथी को उन्होंने वश में किया और उस हाथी का नाम रखा त्रिलोक मंडन हाथी। और फिर बाद में जब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण ने रावण को जीता तो वह हाथी किनके पास आ गया, राम लक्ष्मण के पास। और राम लक्ष्मण के पास जब हाथी आया तो एक बार फिर वो मचल गया, वो मचल गया और वो सारी नगरी में उसने उथल पुथल मचाई। उथल पुथल मचाने के बाद में वो भरत जी एक जगह बैठे थे नदी के किनारे और वो पूजा कर रहे थे वहां, तो वहां उनके पास आया और उनके पास जैसे ही वो आक्रमण करने लगा था वैसे ही उसने उनकी छाती पे कुछ चिन्ह देखा और चिन्ह देख के उसको अपने पूर्ण भाव की याद आ गई कि हम दोनों पहले मित्र थे और मैं उस पर्याय में छल कपट करने के कारण आज ये हाथी बन गया। फिर वो कुछ नहीं खाया, उसने चुपचाप शांत हो गया। फिर तो और शांत होकर महावत उसको बात के लिए न कुछ खाए न पिए, लोगों ने उपाय कर करके थक गए। अंतोद्गत्वा भगवान जिनेंद्र का समोषण आया, समोषण में ये बात पूछी लोगों ने, परेशानी चल रही थी ना कि हाथी खा ही नहीं रहा है, तो उन्होंने पूछा कि प्रभु ये क्या हुआ, हाथी एकदम पहले तो आक्रमण कर रहा था बाद में अपने आप चुपचाप हो गया, वो तो खाना पीना बंद कर दिया। तो उन्होंने बताया कि इसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ और ये भरत को देख के इसको पूर्व भाव का स्मरण हुआ कि हम दोनों पहले एक साथ थे और ये भरत ने कुछ नहीं किया, ईमानदारी से धन साधना की, तो आज ये यहाँ है और हमने उस पर्याय में छल कपट किया तो उसके कारण आज हम क्या बन गए, हाथी। तो ये है इसका फल, मतलब इसका अपने को अभी वर्तमान में अपने को इसका दिखता नहीं, हम सोचते हैं कि हमने छल कपट किया, सामने वाले को पता नहीं चला गया क्या, लेकिन गया ना, क्या गया, हमने उस काल में जो अपनी शांति खोई और जो कर्म बांधे वो हमारा गया है। हम औरों को, हम
औरों को धोखा दे सकते हैं लेकिन हम कर्म प्रकृतियों को धोखा नहीं दे सकते, अपनी आत्म शांति को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए ये जितने धर्म हैं ये अपने लिए, किसी और के लिए अपने लिए। यदि हम सरलता से रहेंगे तो हमारे अपने स्वयं की शांति और आनंद का नाश नहीं होगा और हम दुर्गति को प्राप्त नहीं होगी क्या? तो इसलिए ये जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताई गई इतना सरल सीधा सच्चा की बात कही है, जो हमारे सुखी होने का उपाय है, उस सरलता को हम अपने जीवन में अंगीकार करें। वो सरलता भी कैसी? स्वाभाविक सरलता, माने कृत्रिम सरलता नहीं। सरलता इसलिए नहीं क्योंकि हमको देवगति मिले, सरलता माने स्वाभाविक। स्वाभाविक अपना हृदय इतना निश्चल हो कि उसके अंदर छल कपट को कोई स्थान नहीं। तो इस प्रकार से हम सब मन वचन काय की सरलता को प्राप्त करके और वास्तविक उत्तम आर्जन धर्म को प्रकट करें, इसी भावना से करता हूं।